ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माँ ज्वाला देवी के मंदिर के बारे में। बताएंगे आपको कि ज्वाला देवी मंदिर में कैसे ज्वाला को बुझाने की कोशिश में बादशाह अकबर हुआ था नाकाम, और कैसे ज्वाला देवी के मंदिर की जलती ज्वाला का रहस्य सुलझाने में कितने ही वैज्ञानिक नाकाम हुए। इन सब तथ्यों को बताएंगे दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योति का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों के बाद भी नहीं खोज पाए हैं। पिछले अनेक सालों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात ONGC के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के भूगर्भ का कई किलोमीटर तक चप्पा चप्पा छान मारा, पर कहीं भी गैस और तेल के अंश उन्हें नहीं मिले। अब ONGC फिर से एक बार इस रहस्य को जानने के लिए अपना कार्य शुरू कर रहा है। दोस्तों, ज्वाला देवी का यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इतिहास बताता है कि इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिला में स्थित है। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर को ही ज्योता वाली मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। मान्यता है कि देवी सती की जीभ यहीं पर गिरी थी। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं ज्वाला देवी मंदिर और अकबर के इतिहास से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी हुई है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक दिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा कि ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रख सके तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी हैं या यकीन के काबिल नहीं हैं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार अकबर के आदेश से घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रख लो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। यहाँ पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई और उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे माँ की महिमा पर यकीन हुआ और उसने सावा मन अर्थात 50 किलो सोने का छतर चढ़ाया, लेकिन माता
ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी वह अकबर का छतर ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों गोरख डिब्बी के चमत्कारिक स्थान के बारे में। दोस्तों मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर व भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाया था। उसके आगे माता का मंदिर का गर्भ द्वार है जिसके अंदर माता ज्योति रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है से गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और अपने कई चमत्कार यहाँ पर दिखाए थे। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड है जो देखने में खौलता हुआ लगता है पर वास्तव में पानी ठंडा है। ज्वाला देवी के पास ही में 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नगिनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के माह में मेले का आयोजन किया जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है जो राम लक्ष्मण और सीता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। ज्वाला देवी मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। और अब बात करते हैं कि बादशाह अकबर के बाद ONGC टीम इस मंदिर का रहस्य कितना सुलझा पाई उसके बारे में। दोस्तों भारत के आजाद होने के बाद इस मंदिर में ज्वाला निकलने के रहस्य को जानने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू किया। 1959 से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाला देवी व इसके आसपास के क्षेत्रों में कुएं खोदकर इस कार्य में जुटी हुई है। ज्वाला देवी के टेढ़ा मंदिर में 1959 में पहली बार कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1965 में सुरानी में बग्गी बंडोल घीना लज सुरनी व कालीधार में जंगलों की खुदाई की गई थी। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चमत्कारिक ज्वाला देवी के बारे में। दोस्तों पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकला वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं ज्वाला कहीं गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं तो बकायदा पावर हाउस भी बनाए गए हैं जिनसे बिजली उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है क्योंकि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी इस ऊर्जा को वह ढूंढ नहीं पाए। वहीं अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझा नहीं पाया। यह दोनों बातें यह सिद्ध करती है यहाँ माँ ज्वाला देवी चमत्कारिक रूप से ही निकलती है ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती, बिजली का उत्पादन होता। तो ये था दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ा रहस्य और उससे जुड़ी जानकारी। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों शास्त्र और पुराण कहता है कि आप स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहाँ आप हैं वहाँ आपको सब प्यार करें, जहाँ आप चले जाएं वहाँ आपको सब याद करें और जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ सब आपका इंतजार करें। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।